हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेट एग्जाम 2024 में आपको कॉलेज मिल चुकी है। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे, सर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है या यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और जिनको नहीं मिली जो पूछ रहे हैं कि सर स्पोर्ट काउंसलिंग में ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ले या न्यू वाली गवर्नमेंट कॉलेज ले, इनमें क्या डिफरेंस है सर, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। साथियों मैं आपको बता दूं, ओल्ड और न्यू गवर्नमेंट में आपको कंप्लीट चीजें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, 5 से 7 मिनट का टाइम लगने वाला है। सारी चीजें आपके माइंड में जो भी है क्लियर कर दूंगा कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, कौन सा बेटर आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले चीज बात करें अपन की सर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ओल्ड और न्यू के अलावा यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो साथ ही यूनिवर्सिटियां रहती है अपने राजस्थान के अंदर जेट की ओनली 5, उनके अंडर में आती है सभी कॉलेजेस। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजे भी है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजे भी है। साथ ही एक चीज बता दूं, जितने भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां है वो बेस्ट है प्राइवेट कॉलेजों से। प्राइवेट में आप जाओ उससे बेस्ट है ओल्ड वाली कॉलेज और न्यू वाली कॉलेज भी। अब बात करें कि सर ये माइंड में ये चीज आई कहाँ से, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आज से पहले दो ही मान्यताएं चलती थी, क्या चलती थी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तीसरी चीज ऐड हो गई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ये कब से आई, जब से नई 29 कॉलेज ओपन हुई है और तमाम चीजें मार्केट में देखते हैं सुनते हैं कि नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अच्छा वहां पर कोई स्कोप नहीं है, क्रेज नहीं है, क्यों स्कोप नहीं है भाई, वहां पर क्या कट ऑफ नहीं जाती क्या न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इतनी ही आसान है तो फिर क्यों स्टूडेंट प्राइवेट के पीछे भागता है, जिनके नंबर कम आते हैं वो क्यों भटकते हैं कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए। साथियों सीधी सी बात है, जिन स्टूडेंट को मिल जाती है ना वो चीज, तो अपन क्या है वो देखते हैं कि यार इतनी आसानी से मिल गई, जिनको नहीं मिलती है उनको पता रहता है कदर क्या है उस चीज की। तो साथियों मैं आपको बता दूं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कॉलेज खोला है ना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको डिग्री देने की, इतनी आसानी से आपके भविष्य के साथ गवर्नमेंट खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर अपन देख लेंगे कैसे करती है गवर्नमेंट, तो ऐसा होने वाला नहीं है। फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं रहने वाली, गवर्नमेंट की डिग्री आपको मिलने वाली है, चाहे से ओल्ड कॉलेज हो या न्यू कॉलेज हो, रहेगी यूनिवर्सिटी के अंडर में, फिर घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज आती है कि सर यहाँ पर टीचर नहीं है, सीधी सी बात है स्टाफ नहीं है। राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र में बात करें सबसे आगे है अपना जो राजस्थान की, इसमें पढ़ाई के मामले में, एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में आप जाओगे चारों तरफ आपको राजस्थान के जो 40% का कोटा रहता है वहां पर सारी सीटें फुल मिल जाएगी आईसीआर के अंदर। क्यों, स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना कि अपने एग्रीकल्चर में जाना है, रिसर्च में जाना है, डब्ल्यू बनना है, एफओ बनना है, इफको में जाना है, वहां जाना है, तो वो चीज राजस्थान में कहीं ना कहीं आगे है, राजस्थानी क्षेत्र में, और राजस्थान के स्टूडेंट भी आगे हैं एग्रीकल्चर के मामले में। बात करें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ की, तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्टाफ नहीं देखने को मिलेगा और कुछ कॉलेज नई ओपन हुई है उनमें भी आपको स्टाफ देखने को मिल जाएगा। तो इस गलतफहमी में आप मत रहो कि सर ओल्ड बढ़िया है या न्यू वाली बढ़िया है, दोनों कॉलेज बेस्ट है। आपको जो मिल गई ना वो बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गई, अच्छी बात है। अब आपको किसी की बातों में नहीं आना, अगर कोई बोल रहा है, रिश्तेदार बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहे हैं न्यू वाली गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, कोई फायदा नहीं है, कोई दम वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बता दो, जो 15-20 हज़ार स्टूडेंटों ने जो पेपर दिया था उन्हें क्यों नहीं मिली, फिर वो आप ही को क्यों मिली, क्योंकि आपके नंबर अच्छे थे और कट ऑफ जाती है जेट के अंदर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की। तो दोनों कॉलेज बेस्ट है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात एक आती है कि सर पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, टीचर ही नहीं है वहां पर, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस कृषि विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स को। अपने स्टूडेंट का आप रिजल्ट देख लो, यहाँ पर 8.6 ओजीपी है, टॉपर है ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो स्टूडेंट है वो टॉपर रहा है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। कंप्लीट क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, टीचर कॉलेज में है या नहीं है, आपको यहीं से पढ़ने का पूरा मैटर मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, जिन यूनिवर्सिटियों, जिन कॉलेजों में टीचर नहीं है ना वो यहीं से पढ़ते हैं, जहां पर टीचर है वो स्टूडेंट भी यहीं से पढ़ते हैं, और जो प्रोफेसर है उन्हें भी पता है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको यही चीज रिकमेंडेड करता है। जो आपके सेमेस्टर की चीजें हैं वही हम आपको बताते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं, कंप्लीट चीजें आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर कंप्लीट वीडियोज, लेकिन यूट्यूब पर दिक्कत आपको एक आने वाली है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, आपका जो डाउट आ गया, मान लो आप पढ़ रहे हो ना तो वो कहां से पूछोगे आप, ये दिक्कत आती है। क्लास के अंदर ऑफलाइन पढ़ते हैं ना तो वहां पर सर समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, आप पूछ सकते हो, आपके पास फीचर है, लेकिन यूट्यूब पर बेटा ये फीचर अवेलेबल नहीं है।
तमाम पेरेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि सही बात है, यूट्यूब पर ये फीचर अवेलेबल नहीं है कि अपन मान लो स्टूडेंट को अपन पढ़ा रहे हैं, पहला टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने भी पढ़ा रखा है, आप जाके देखना बायोलॉजी की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी सभी को, तो वहां पर पढ़ा तो अपन ने दिया, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है कि सर ये कैसे हुआ, तो वो कहां पर पूछेगा, तो वो चीज पूछने के लिए आपके डाउट को दूर करने के लिए यहाँ पर अपना ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस का, वहां पर आपको मिलने वाली है सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस मिलेगी, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो पिछले 5-7 साल जो पेपर आए थे ना आपके कॉलेज के अंदर, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वहीं से आपका पेपर उठ के आएगा, तो मतलब कंप्लीट चीजें आप यहाँ पर पढ़ लोगे ना, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपन ने खुद का ऐप डेवलप कर रखा है कृषि विद्यार्थियों के लिए, और हर साल जिन विद्यार्थियों को बैक आ जाती है ना वो यहीं पर क्लियर करते हैं और बताते हैं कि सर काफी अच्छा लगा, अगर पहले हम ये ले लेते ना आपका कोर्स तो अच्छा रहता। अब आप बात करोगे सर कोर्स की प्राइस कितनी है, वैसे बात करूं तो 10,000 रुपए का कोर्स है पूरी साल भर का, लेकिन वो आपको मिल जाएगा कंप्लीट कितने रुपए में, 6 महीने का 600-700 रुपए में कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। अब आप बात करोगे सर 10,000 का कोर्स इतने सस्ते में क्यों, क्योंकि हमें पैसे नहीं कमाने हैं कृषि विद्यार्थियों से, जो आप आते हो ना उसी किसान परिवार से हम आए हुए हैं, हम भी इस लाइन से गुजरे हुए हैं, हमारे टाइम ये सुविधा नहीं थी लेकिन आपके टाइम ये सुविधा अवेलेबल है, इसलिए हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। टाइप किए हुए नोट्स रहेंगे वहां पर, लाइव क्लास रहेगी, आपके क्वेश्चन जो है टीचर आपको बताएंगे वहां पर, हर सब्जेक्ट के अलग अलग बढ़िया फैकल्टी आपको मिलने वाली है, और 700 रुपए में कंप्लीट 6 महीने के लिए आप पढ़ लोगे, मतलब एक साल की फीस 1400 रुपए में आप पूरी साल भर पढ़ लोगे, इससे सस्ती कोचिंग दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अब बात करें कि सर इतना सा जो 600-700 रुपए फीस है इससे क्या होता है, इससे अपने नोट्स है उनका मेंटेनेंस, जो प्ले स्टोर पर अपना ऐप है उसका मेंटेनेंस, और जो सर्वर चार्ज है वही आपसे लिया जाता है, GST आपसे ली जाती है, मतलब इससे कम में कोर्स अपन नहीं दे सकते। कम से कम अपन ने प्राइस कर रखी है, गोल्डन टेस्ट सीरीज अपन देते हैं वो 1 रुपए की है, यहाँ पर आपका कोर्स डेवलप करना पड़ता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग टॉपिक वाइज अपन ने कोर्स डेवलप कर रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करें कि सर फ्री में, तो फ्री में भी आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, ये चार्ज उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि सर हम लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, वहां पर समझना चाहते हैं, वहां पर मजा लेना चाहते हैं पढ़ने का, तो उन विद्यार्थियों के लिए है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऐसी चीज नहीं है कि अपन पैसे कमाने के लिए ऐप पर ही डालते हैं, नहीं, ऐप भी आप लोगों के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है, आप चाहो तो ऐप परचेज करके वहां पर पढ़ सकते हो, कंप्लीट क्लासेस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और ये रिजल्ट है ना आपको मिल जाएगा कंप्लीट, यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो, क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है साथी, वो आपके फायदे की बात है। और किसी भी प्रकार का डाउट आता तो अपन इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पीछे आपने जो मैंने बताया कोर्स पर वहां पर आप क्या है नंबर दिए हुए, वहां पर बात करके कॉल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो भी हेल्प है वो की जाएगी। किसी भी प्रकार का डाउट है ना तो आप हमें पूछ सकते हो, ये अपने नंबर दिए हुए है कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रकार के लिए कोई चार्ज नहीं है आपके लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिलने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, जो कॉलेज आपको मिल गई वो बेस्ट है, पढ़ाई का मटेरियल चाहिए फ्री में चाहिए, कुछ चीजें आपको वो भी मिल जाएगी, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आगे क्या करना है फ्यूचर को लेकर टेंशन में आते हो, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए कॉल कर देना, आईडी दे दी, मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो भी हेल्प है वो हम करेंगे। जेट में अगर आपने अपनी वीडियोस देखी हो तो आपको पता है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे साथियों। तो ये वीडियो शेयर कर देना उन साथियों के पास जिनके मन में डाउट है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को लेके, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को लेके, आपको उलझना नहीं है, जो मिल गई बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज से आपको डिग्री करनी है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, फ्यूचर में आगे क्या क्या करना है, कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी करनी है, कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साथियों। तो आज का सेशन अपना यही था, ओल्ड कॉलेज भी बढ़िया है, न्यू कॉलेज भी बढ़िया है, स्टाफ अभी है नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार दे नहीं रही, तो अपन ने ध्यान दे रखा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।